Hello kids, in this video of IMO for class 8, I am going to start chapter 12, that is factorization. Start karte hain. Factorization of xy minus pq plus qy minus px is. Kaise karte hain? Hame dekhna hota hai ki kaun si cheeze common ho sakti hain. Unko hum pass mein rakhenge. To dekho, in dono ke saath kya hai? X common hai. In dono mein dekho, common hai. Kya likhenge? Xy minus px plus क्यू वाई माइनस पी क्यू. नाउ एक्स लिया कॉमन यहाँ से, तो वाई माइनस पी, यहाँ से हमने क्यू लिया तो वाई माइनस पी. नाउ ये दोनों सेम है तो ये एक हमारा फैक्टर हो गया, मीन्स नाउ इसको हमने कॉमन दिया. तो अब क्या बचा? एक्स प्लस क्यू. नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक्स प्लस क्यू और वाई माइनस पी इज ऑप्शन ए. एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देन एम इज इक्वल टू. ये हमें यहाँ पर देखो, ये जो एक्स स्क्वायर और फाइव है, ये दोनों ही साइड कॉमन है, तो हम इनको एक साथ रखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स, और दिस साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री एक्स. ठीक है, नाउ दिस टर्म इज एम, दिस टर्म इज एन, दिस टर्म इज एम, और दिस टर्म इज, देखो फॉर्मेट क्या हो गया, m प्लस एन और m माइनस एन, और m प्लस एन और m माइनस एन का जब प्रोडक्ट होता है तो दैट इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. तो यहाँ देखो m की वैल्यू क्या हो गई, x स्क्वायर प्लस फाइव, मीन्स c इज द राइट ऑप्शन. नाउ द फैक्टर ऑफ दिस, दिस वाला फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, m प्लस एन और m माइनस एन. नाउ देखो x बाई फोर, एक्स स्क्वायर बाई फोर को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई थ्री का होल स्क्वायर, बिकॉज नाइन इज इक्वल टू क्या होता है, थ्री स्क्वायर. नाउ ये हमारा हो गया एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री एक्स बाई माइनस वाई बाई थ्री. नाउ ऑप्शन देखो, सी इज द राइट ऑप्शन. द फैक्टर ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस थ्री. तो देखो इसको जब करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो. ये प्रोडक्ट क्या आया, 18. अब इसके फैक्टर्स लेने, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 है, 6 है, 9 है और 18 है. तो ठीक है, हमें दो ऐसे फैक्टर्स लेने होंगे जिनका सम क्या हो, 11 हो. 9 प्लस 2 क्या होता है, 11. मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री. ठीक है, तो पहले क्या क्या प्रोडक्ट किया, फिर इस प्रोडक्ट के फैक्टर निकाले, फिर वो कोई दो टर्म्स ऐसे लेने हैं जिनका सम 11 है. हमारा 9 इन 2 हो रहा था, नाउ यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, तो यहाँ क्या आएगा, 3 टू एक्स से होता है ना, तो यहाँ आएगा 2x. एक x कॉमन लिया, x स्क्वायर था, प्लस यहाँ क्या होगा 3, ये हमने 3x कॉमन लिया था तो x तो बाहर आ जाएगा, 3 3 से 9 होता है, प्लस 1 लिया यहाँ पर 2x प्लस 3. नाउ ये दोनों कॉमन हो गए, तो यहाँ हमने कॉमन लिया 2x प्लस 3 को, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दिस 3x प्लस 1 मींस सी इज द राइट ऑप्शन. दिस द फैक्टर्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 81. तो देखो अगेन वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू m प्लस n और m माइनस n. यही फॉर्मूला यूज करना है. x की पावर 4 कैन बी रिटन एज x2 का स्क्वायर और 81 कैन बी रिटन एज 9. ठीक है, 9 इंटू 9 क्या होता है, 81. तो नाउ फॉर्मूला विल बी x प्लस 9 और x माइनस 9, स्टिल सॉरी x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर माइनस 9. नाउ फर्दर ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो सेम ही रहेगा, बट दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ये फॉर्मूला फिर से लगेगा, नाउ इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 9 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 x माइनस 3, मींस ऑप्शन ही इज करेक्ट. द फैक्टर ऑफ अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6 अंडर रूट 3. तो नाउ अगर हम अंडर रूट 3 और 6 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 अंडर रूट 3 टू अंडर रूट 3 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू 18. तो नाउ अगेन हमें 18 के वो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम 11 हो, तो जो हमने ऊपर किया था वैसे ही, मीन्स इट कैन बी रिटन इज 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6 अंडर रूट 3. यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, अंडर रूट 3 एक्स को, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस, देखो अंडर रूट 3 है ना, तो 9 को क्या लिखते हैं, 9 9 क्या होता है 3 इंटू 3, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, मीन्स
अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, ये मेरे बताने का सिर्फ ये रीजन था, हमने यहाँ अंडर रूट थ्री एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ नाइन की जगह पर हमें क्या बचेगा, थ्री अंडर रूट थ्री विल बी रिमेन। नाउ सेम वे प्लस टू को कॉमन लिया तो यहाँ होगा एक्स प्लस थ्री अंडर रूट थ्री। नाउ दीज टू आर सेम मीन्स ये कॉमन होगा तो एक्स प्लस थ्री अंडर रूट थ्री और अनदर ब्रैकेट में अंडर रूट थ्री एक्स प्लस मीन्स ऑप्शन डी। फैक्टर्स ऑफ 81 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगेन हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के। 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 9 प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस एक्स माइनस वाई। कैसे देखो, अगर हमने लिखा 9 माइनस एक्स प्लस वाई तो ब्रैकेट ओपन करते ही 9 माइनस एक्स माइनस वाई, तो इनका अपने क्या कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना है, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, तो देखो अब यहाँ पर क्या है 72, यहाँ पर 1 है और 1 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो 72। नाउ 72 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका माइनस करने पर, बिकॉज यहाँ देखो माइनस साइन है, जिसको हम जब माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए बिकॉज यहाँ 1 का प्रोडक्ट है। तो देखो 9 इंटू 8 क्या होता है 72 और माइनस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1, तो हम यही लेके चलेंगे। मीन्स x की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 की पावर 4। नाउ यहाँ से हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर को अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन लिया 8 वाई स्क्वायर को यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। नाउ आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर कॉमन है, हाउ मच लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर, मीन्स ये तो माइनस का है तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, नाउ ये भी हाँ, यहाँ क्या होगा माइनस, दिस टर्म इज माइनस और दिस टर्म इज प्लस, मीन्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस, दिस इज द डिविजन साइन, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2xy 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है, अभी मैं इसके लिए सिर्फ कर रही हूँ, ठीक है। तो नाउ माइनस 4xy को क्या लिख सकते हैं दोनों के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो दिस विल बी 3y स्क्वायर माइनस इंटू 3y इंटू xy 3, ठीक है, प्लस एक्स वाई थ्री का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, लेट दिस इज ए, थ्री वाई इज ए, दिस इज बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, करेक्ट है। मैंने क्या कहा कि थ्री वाई इज ए और टू एक्स वाई थ्री इज बी, तो ये क्या हो गया टू ए बी, मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है थ्री वाई और बी की वैल्यू क्या है टू एक्स वाई थ्री का होल स्क्वायर, करेक्ट है। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यही फॉर्म हुआ है यहाँ पर। नाउ अब इसके नीचे यहाँ पर वैल्यू क्या है, डिवाइड में क्या था थ्री वाई माइनस टू वाई बाई थ्री, अब देखो ये दोनों सेम है मीन्स ये पावर कैंसिल हो जाएगी एक बार इसे करने के बाद। नाउ व्हाट इज द आंसर, थ्री वाई माइनस टू एक्स बाई थ्री, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4x plus y under bracket 3a minus b plus, यहाँ पे क्या given है 4x plus y 3a minus b plus 6x plus y 2 minus 3a, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कॉमन क्या हो सकता है, 4 और 6 में कॉमन क्या है 2, x plus y कॉमन है, तो x plus y को हमने कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा 4 को डिवाइड किया तो 2, x प्लस वाई बाहर ले लिया तो क्या बच्चा यहाँ 3a माइनस प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 6 को क्या आएगा 3 और अंडर ब्रैकेट माइनस a, करेक्ट है। नाउ x प्लस वाई अंदर सॉल्व ब्रैकेट ओपन किया तो दिस विल बी 6a माइनस 2b प्लस 6b माइनस 9a, करेक्ट है। सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आएगा 2 एक्स प्लस वाई तो है ही पहले से, 6a माइनस 9a मीन्स दिस विल बी 6b माइनस 2b, तो पहले 6b माइनस 2b विल बी 4b और इधर क्या होगा 9a माइनस 9a और 6a, तो माइनस 9 से माइनस किया तो क्या होगा माइनस 3a। नाउ ऑप्शन देखो माइनस 3a प्लस 4b मीन्स d इज द वन ऑफ द फैक्टर।
Next question is divide 81 x square by 81 x cube y की पावर 5 minus 729 y x raised to power 4 y square divided by 27 x raised to power cube y square. देखो y square से, तो देखो यहाँ y square से ये y square गया और ये भी गया, तो यहाँ क्या बचा y 3. Now x cube से x cube गया और यहाँ पर क्या बचा x. Now 27 है ना, तो 9 की टेबल से अगर हमने डिवाइड किया, सीधे 27 की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, 27 की टेबल से डिवाइड किया तो 3 टाइम में, और यहाँ पर 9 है, 7 है और 9, 27 टू द 54, हाउ मच रिमाइंडर 70 से 50, यार 12 से पुट किया 8 से 5 या 1189 मींस इधर 7 टाइम में, मींस फाइनल आंसर इज 352 माइनस 26 means P is the right option. This one of the factor of this. इसको solve करते हैं. इसको solve करेंगे कि this is m square और ये n square. तो एक हो जाएगा m plus n means plus plus a minus b. तो m plus n है. अब minus करेंगे तो plus q minus a plus b. Minus करने पर sign change हो जाएंगे और ये वाला term भी लिख लेते हैं. तो ये term क्या है? Plus under bracket में ही लिख लो plus माइनस ए प्लस बी. देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ले लिया पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी को, तो अंडर ब्रैकेट यहाँ से आया पी प्लस क्यू प्लस ए माइनस बी और प्लस वन. विच ऑप्शन इज करेक्ट, पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी? माइनस ए प्लस बी, बी इज द राइट ऑप्शन. फैक्टराइज दिस, अब इसको फैक्टराइज करना है, आ रहा है इसको, सपोज दिस इज अ वन टर्म और ये मल्टीप्लाइड है विथ वन, और वन को 39 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 39, और ये टर्म तो इसके साथ आएगा ही, ठीक है. नाउ अब 39 को कैसे फैक्टर करेंगे कि हमारा 50 है, तो 13 ओ सॉरी 16 है ये, दिस इज 16, ये 16 है, तो 13 इंटू 3 क्या होता है 39, और 13 प्लस 3 क्या होता है 16, तो दोनों कंडीशन हो गई, क्लियर है. तो नाउ सॉल्व करते हैं, यहाँ हम देखेंगे 5x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 13 5x plus 2y minus 3 5x plus 2y. अब मैंने माइनस के क्यों लिए, बिकॉज माइनस 3 और माइनस 13 के मल्टीप्लाई से 39 मिलेगा और यहाँ पर माइनस साइन है, करेक्ट है, प्लस 39. नाउ यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 5x plus 2y कॉमन हुआ, तो अंडर ब्रैकेट क्या आएगा 5x plus 2y माइनस 13, करेक्ट है. यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस 3 को, तो अंडर ब्रैकेट क्या होगा 5x प्लस 2y माइनस 13. नाउ फैक्टर्स कैसे बन गए, 5x प्लस 2y माइनस 13 जो कि कॉमन है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, अनदर ब्रैकेट में क्या आएगा 5x प्लस 2y और दिस माइनस 3. नाउ ऑप्शन देखते हैं, ई इज द राइट ऑप्शन. नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है माइनस 14 एक्स रेज टू पावर 12 वाई प्लस 8x raised to power 5 add y 2x square. देखो x square से अगर हम यहाँ कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 minus 2 x की power 10, और यहाँ कट करेंगे तो 5 minus 2 क्या हो जाएगा x की power 3. अब 2 की टेबल से ये कट किया तो 7 और यहाँ कट किया तो 4, दोनों कटेंगे बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, दोनों ही कटेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया माइनस 7 x की पावर 10 y प्लस 4 x टू जेड. अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो नाउ हम क्या कॉमन ले सकते हैं x की पावर q, x की पावर को q कॉमन लिया तो माइनस 7 x की पावर 7 y प्लस 4 z. नाउ ऑप्शन देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ए. नाउ अचीवर सेक्शन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस 15 टू द 30 की 0 पावर आई 3 प्लस 3 का होगा 80. अब हमें यहाँ चाहिए 8 और ये चाहिए 180 80 और हमें चाहिए यहाँ 8 भी, तो क्या होगा 80 into 10 is equal to क्या होता है 180 और 80 minus 10 is equal to क्या होता है 8 means क्या हो जाएगा यहाँ minus है means हम क्या factors लेंगे 12 under bracket a square plus 7a का whole square तो है ही minus 80 a square plus 7a और इधर लिया a माइनस वन
इसके साथ क्या आएगा, प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 7 ए अंडर ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 15 ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताना क्या वन ऑफ द फैक्टर, तो एक फैक्टर तो देखो इसका, यहाँ पे ऑप्शंस देखो, तो ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 3 ए लिखा। तो नाउ यहाँ पर जो कॉमन होगा 12 है और 18 है, तो मीन क्या ले सकते हैं, 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए कॉमन लिया, तो अंडर ब्रैकेट यहाँ से लिया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस ए माइनस 1 आएगा ब्रैकेट में, प्लस इस साइड से मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस 3 भी होगा ना, 18 था ना तो माइनस 3 भी होगा ये। नाउ हमने कॉमन लिया 5, कॉमन क्या है ए माइनस 1 को, तो अंडर ब्रैकेट क्या होगा, 5 टू द 10 होता है, ए स्क्वायर प्लस 7 ए बच गया, ये तो कॉमन में हमने बाहर ले लिया, माइनस 3 ए माइनस 1। नाउ फैक्टर देखो, ये हमारे कॉमन है ना दोनों साइड से, तो हम इसको ब्रैकेट भी ओपन कर देते, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस 14 ए माइनस 6 ए प्लस 3, करेक्ट है। नाउ इस ब्रैकेट में ये दोनों आएंगे, तो ब्रैकेट ओपन करके ही करती हूँ, ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस 6 7 जा 42 ए प्लस ये वाला टर्म 10 ए माइनस 5, करेक्ट है। सॉल्व किया तो दिस विल बी ए स्क्वायर 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 8 ए प्लस 3, देखो ये वाला टर्म आ रहा है, बट अभी मैं दोनों को चेक करना होगा, तो यहाँ 6 ए स्क्वायर 42 ए प्लस 10 ए मीन्स प्लस 15 ए माइनस 5, देखो ये टर्म दोनों ही टर्म आ गए, मीन्स बोथ ए एंड बी बी इज द राइट ऑप्शन। इन द ब्लैंक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए ए माइनस बी माइनस दिस इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है ए ए माइनस बी माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है ए बी स्क्वायर, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं ए बी को इन दोनों से, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी को कॉमन लिया, पहले वाले से क्या बचेगा बी और दूसरे वाले से क्या बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है ए स्क्वायर, तो देखो दिस कैंसिल हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, ओनली बी लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ क्या है ए प्लस बी बाई ए माइनस ए प्लस बी बाई बी, करेक्ट है। यहाँ पर फैक्टर क्या एलसीएम क्या आएगा, ए बी और यहाँ मल्टी होगा मल्टीप्लाई होगा बी ए प्लस बी माइनस ए ए प्लस बी से, करेक्ट है। फर्दर सॉल्व किया तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, तो इस ए बी से ये भी कट गया और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए और प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी, तो नाउ ऑप्शन देखो इधर बी और इधर बी, सेकेंड पे क्या लिख रखा है 64 वाई की पावर 4 प्लस 8 वाई क्यू डिवाइडेड बाई 4 वाई क्यू, इसको देखो थोड़ा सिंपल कर सकते हो, हमने 8 वाई क्यू को कॉमन लिया, तो 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 वाई, क्योंकि वाई 4 था वाई क्यू कॉमन लिया 1 वाई लेफ्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 वाई क्यू, तो वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल 4 से डिवाइड किया तो आया 2, मीन्स आंसर विल बी 8y प्लस 1। नाउ देखो ऐसा ऑप्शन, हाँ देखो D के साथ है, मीन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ 3 लिख दिया है तो D ही होगा, लास्ट करने की जरूरत नहीं है बट हम कर लेते हैं। लास्ट में क्या है, व्हेन वी डिवाइड दिस बाय दिस द रिजल्ट इज दिस, एन के इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो उन्होंने कहा 38 a की पावर q b की पावर q की स्क्वायर माइनस 19 a पावर 4 b स्क्वायर और c, इसको हमने डिवाइड करना है किससे 90 ए स्क्वायर बी सी से, तो हमें क्या मिल रहा है ए ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, 19 हमने ऊपर से कॉमन लिया तो क्या होगा 19 ए स्क्वायर को भी कॉमन लिया बी सी को भी कॉमन लिया, ठीक है, तो जब 19 टू का क्या होता है 38, यहाँ क्या आएगा 2 ए क्यू था ए स्क्वायर बाहर लिया तो ए बी क्यू था बी बाहर लिया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर था सी बाहर लिया तो सी माइनस 19 बाहर चला गया ए फोर से ए स्क्वायर गया तो क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी गया तो बी और सी तो पूरा ही चला गया डिवाइडेड बाय 19 ए स्क्वायर बी सी, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, हमारी जो वैल्यू बची के ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, तो देखो टू कहाँ पर है के की जगह पे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू मीन्स आर की वैल्यू क्या हो गई टू, क्योंकि यहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
The factors of n expressions are always either algebraic variable or algebraic expression. So this is not correct. An irreducible factor is a factor that cannot be expressed further as a product of factor. So this is true. हमें correct ही चाहिए था ना, तो this is true. Every binomial expression can be factorized into monomials expression. ऐसा नहीं है. The process of writing a given expression as the product of two or more factor is called multiplication of factor. This is also wrong. So correct क्या है? B is the right option. Now match the expression given in column 1 to 1 of their factor given in column 2. ठीक है, तो इनके factors निकालने हैं और match कराना है. तो करते हैं. First expression में है x square plus 4x plus 48. अब 48 का factor क्या होगा? 6 into 8 is equal to 48 and 6 plus 8 is equal to 14. Means this is the correct. यहाँ हम लिखेंगे x square plus 6x plus 8x plus 48. ठीक है? है ना, 14x को हमने लिखा 6x plus 8x. तो now x is common. तो यहाँ आएगा x plus 6. इस side हमने 8 common लिया. तो x plus 6 means factor क्या हो गया? X plus 6 और x plus 8 means p के साथ क्या जाएगा? तो either A or D option. Now next वाला करते हैं. Plus 5x square minus 8x minus, अब यहाँ देखो 5 into minus 4 is equal to क्या है? 25th minus sign. और यहाँ क्या है? Minus 8 means अगर हम 10 into करें तो we get minus 20. अब हमें minus 8 चाहिए तो हमने क्या करना है? Minus 10 plus 2. तो ये वाला term हो जाएगा. तो minus 8 है. ये rough work है. कैसे हो जाएंगे? 5x square minus 10x plus x plus 2x minus 4. तो यहाँ हमने 5x को common लिया, x minus 2. और यहाँ हम प्लस 2 को कॉमन लिया, तो x माइनस कॉमन फैक्टर क्या हो गया? x माइनस, और दूसरा क्या हो गया? 5x plus 2. नाउ देखो कौन सा ऑप्शन है? x माइनस 2 इन सेकंड के साथ थर्ड जाएगा. अब देखो x माइनस 2, x माइनस 2 q के लिए 3, 3 4 q 3 दोनों में ही है. नाउ अब हम r के लिए चेक करते हैं. r क्या गिवन है? x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20. मींस ऐसे टर्म्स लेंगे कि जो 11 हो, तो 8 plus 3 क्या होता है? 11. तो means x square plus 8x plus 3x plus 24. Because 8 3 is 24 भी हो गया और 8 plus 3 11x भी हो गया. Now x common हुआ तो x plus 8 this side plus 3 यहाँ common हुआ तो x plus 8 this side. Answer क्या होगा? x plus 8 और यहाँ होगा x plus 3. तो now factor देखो तो इसके साथ जाएगा second वाला option. R के साथ जाएगा second means A is the right option. यहाँ तो 1 लिखा हुआ है. चलो S भी हम कर ही लेते हैं. वैसे तो हमें पता चल गया कि S के साथ 1 जाएगा. फिर कर देते हैं. X square minus 5X minus 7. 2 into minus 7 will be equal to minus 3. अब हमें ऐसे चाहिए कि हमारा minus 5 आ जाए, तो सिंपल यही होगा. Minus 7 plus 2 equal to minus 5. इन सब क्या लिखेंगे? 2X square minus 7X plus 2X minus 7. Now यहाँ से X common लिया तो x minus 7, यहाँ plus 1 common लिया तो 2x 7, now 2x minus 7 1 factor और x plus 1, ये देखो 2x minus 7, तो option तो मैं पहले मिल गया था. Now last question, 2 as directed, factorized, इसको हमें factorized करना है, तो देखो ना यहाँ पे लिखा है x square plus 1 by x square minus 3, अगर हम माइनस 3 है, अगर माइनस 3 को हम लिख दें माइनस 2 माइनस 1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 1. क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2 इज 1 बाई x इंटू x. क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आएगा क्या? माइनस 2 क्या आएगा? इस सेट क्या होगा? माइनस 1. ये होल जो है दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab. मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर और दिस इज 1 का स्क्वायर. Now a plus b, ये हो गया a square और ये हो गया b square. इसको हम लिख सकते हैं x minus 1 by x plus 1 और this side x minus 1 by x minus 1. ठीक है? तो now ये option देखो कहाँ है? C. E के केस में यही option है. C will be the right option. Still हम बाकी भी कर लेते हैं. अब दूसरे में क्या लिखा है? Find the greatest common factor of this. अब यहाँ पर देखो term क्या है? 14 है, 21 है, 34 है. तो 14 आएगा? नहीं, 14 नहीं आएगा. अब इनके common factor क्या होंगे? देखो 14 के लिए होगा 7 into 2 और 21 के लिए होगा 7 into 3, 35 के लिए क्या होगा? 7 into 5. तो इनमें common factor क्या है? 7 means 7 होगा. अब यहाँ देखो power, सबसे least power क्या है? X square, ना x को यहाँ x और means 7 था, अब x square आया. Y की least power क्या है? Y square, यहाँ होगी y square. अब z देखो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है, but उसको हम नहीं लेंगे. हम किसे लेंगे? 7 x square y square को. Means this is the option.
कर ही लेते हैं, डिवाइड दिस बाई दिस, हमें डिवाइड किसको करना है, जेड फाइव जेड स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 जेड जेड प्लस 46, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे, नाउ यहाँ पर अगर हमने 5 को बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1, 5 वन जा 5 और 6 16 ना, 5 से अगर 80 को डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, यहाँ क्या है 5 जेड जेड प्लस 4, तो देखो 5 जेड से कैंसिल, ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया जेड स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड प्लस 4, तो यहाँ क्या आएगा जेड माइनस 4 जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाई जेड प्लस, तो देखो दिस कैंसिल, व्हाट विल बी द आंसर, जेड माइनस 4, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, या आपको लगता है मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन विद एग्जैक्ट टाइमिंग। थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।